यहाँ भी मौजूद है, मैं उनसे कुछ लोगों से बातचीत करूंगा किस तरीके से उनको समर्थन दिया जा रहा है और क्या ऐसा नहीं हुआ जो कि इन्होंने बसपा का समर्थन थामा है। भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? आलम नाम है। ऐसा क्या रहा है पूर्व पार्षद ने जो नहीं किया, जो आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? पूर्व पार्षद तो कुछ नहीं करा है जी, नौशाद आलम सब कुछ करेंगे, लेकिन संविधान बचाना है तो मायावती जी को लाना है और मेरे छोटे से प्रत्याशी नौशाद भाई को जिताना है। आइए यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है वो ये है। कौन है प्रत्याशी बसपा का? नौशाद आलम है। नौशाद आलम, नौशाद आलम जी, नौशाद आलम प्रत्याशी है कि उनकी माता जी प्रत्याशी? उनकी मम्मा, लेकिन उनके नहीं। आप बताइए प्रत्याशी कौन? देखिए हमारी जो लड़ाई है वो ये है, जो जाति विषय। आइए आइए यहाँ प्रत्याशी आ गए, प्रत्याशी से बात करना चाहेंगे। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? गुलशन। यहाँ किन मुद्दों पे आप इस तरीके के विशाल जुलूस में हैं? हम विकास आप अपना बनाएंगे और सबका बनाएंगे। और किस कौन सा समुदाय आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? सभी लोग। अगर आपकी सरकार जो कि यूपी में नहीं है, हाँ, उसके बाद आप उम्मीदवार बनते हैं, हाँ, तो आप किस तरीके से जनता के लिए सेवाएं लाएंगे? हम जनता के लिए सब कुछ करेंगे, नाली कूड़ा और सड़क। चूंकि आप एक महिला प्रत्याशी हैं तो महिला वर्ग के लिए आप क्या करेंगी? महिला वर्ग के लिए हमारी बहनें सब कुछ क्या बोल रहे भैया? जनता के लिए खड़ी हुई है, मतलब चुनाव इनको जनता लड़ा रही है। मैडम मेरा जय महती के समर्थन है। मैडम आपका नाम क्या है? महक। किस तरीके का समर्थन है? जनता का समर्थन, जनता का समर्थन। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से देखा कि प्रत्याशी महिलाओं के लिए खूब ही रूबरू हो रहा है, और इसी बीच हम वार्ड 63 में और भी जगह ले चलते हैं कमीशन को आगे बढ़ाने के लिए। बहुजन समाज से चुनाव लड़ रहा हूँ और इस वार्ड में जो समस्या है, नाली पानी सड़क कहीं पर, यहाँ पूरे चमन नगर में देख लीजिए, आपको हैंड पंप नहीं मिलेगा। पुराने भाजपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद गुप्ता का कहना है, उन्होंने 33 करोड़ का विकास कराया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप राजीव नगर में आ जाइए, जो हमारा जादे सिंह का गड्ढा है और हमारी वारसी गली गरीब नवाज चौराहे, आप जाके घूम लीजिए। 35,000 करोड़ क्या 3,500 रुपए का काम नहीं हुआ है। किन मुद्दों पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे अगर उम्मीदवार बन जाते हैं? मैं सबसे ज्यादा ये ध्यान दूंगा कि हमारा क्षेत्र राजू नगर और चमन नगर जैसे लगता है कि वार्ड 63 में है नहीं, यहाँ आप घूम के देख लीजिए, एक भी हैंड पाइप नहीं मिलेगा और हमारे राजू नगर में एक भी सड़क नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं जीतूंगा तो अपने राजू नगर और चमन नगर में रोड नाली पानी और जहाँ एक तरफ यूपी में आपकी सरकार नहीं है उसके जहाँ एक तरफ यूपी में आपकी सरकार नहीं है उसके बाद अगर आप उम्मीदवार बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तब किस तरीके से जनता के लिए आप सुविधाएं लेके आएंगे, जनता के लिए काम लेके आएंगे? हम बहुजन समाज के लोग और हम जो हमारे मुसलमान भाई हैं इतने जागरूक हो चुके हैं, उनको समझ में आ रहा है कोई भी सरकार बनती है केवल हमें ठगने और छलावा करने का काम करती है। हमारे बहुजन समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग एकजुट होके इंशाल्लाह हमें जो है नगर निगम तक ही पहुंचाएंगे और खुद खड़े होके काम करवाएंगे। मुस्लिम समाज का आपको कितना सपोर्ट है? मुस्लिम समाज पूरा एक तरफा है और बहुजन समाज पूरा एक तरफा है, और हमारे हिंदू भाई भी मेरे साथ है, आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी मेरे साथ चल रही है। मैं कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। भैया किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं आप इन? भाई पूरा फुल सपोर्ट। क्या ऐसा देखा जो आप इन लोगों को, नौशाद जी को प्यारे बचपन से हमारे भाई, हम लोग के साथ चल रहे बराबर से, लोग आते हैं खाली वोट। पुराने पार्षद का कहना है खूब विकास हुआ है। पुराने पार्षद को तो यार फिर बस, क्या नाम है आपका? अल्ताफ। पुराने पार्षद का कहना है खूब विकास हुआ है। कहाँ विकास हुआ भैया? राजू नगर देख लो, गाइस के देख लो, कहाँ रोड बनी, कहाँ वो कुछ हुआ। अब की बार उम्मीदवार किसको चुनना है? नौशाद भाई को चुनना है। आप देख रहे किस तरीके से यहाँ पे आक्रोश है पुराने पार्षद के प्रति, और जो देखने को मिला है आपको वार्ड 63 प्रत्याशी नौशाद आलम, उनकी माता जी, आप मैं उनसे बातचीत करने का एक बार फिर से बातचीत करता हूँ और लोगों से रूबरू कराता हूँ। अभी भी कुछ लोगों से नमस्कार है, क्या नाम है आपका? हमारे कुछ नाम नहीं। चलिए कोई नहीं, कुछ लोग बीच में आने आने, हम और लोगों से बात। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रिजवान अहमद। पिछले पार्षद ने कितना कार कराया जो आपकी बार आप बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं कराया। पिछले पार्षद ने कोई कार नहीं कराया? कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कराया। तो आपकी बार आपका वोट किस पे रहेगा? बीएसपी नौसाद के ऊपर। महापौर में आप किसको देना चाहेंगे? वंदना वाजपेयी को। महापौर में वंदना वाजपेयी। आप देख रहे किस तरीके से यहाँ पे जनता और जुलूस निकल रहा है। इसी बीच हम जनसंपर्क रूबरू होते रहेंगे और लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मैं प्रदीप मिश्रा अनमोल भारत लाइव से।